द्वै गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान प्रवेश में देखा गया है कि व्यक्तियों तक अपनी बात पहुंचाना एक कला है और आपने इस कला में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। गुरुदेव, आप समान बनना तो हम सबके बस का कहाँ, फिर भी आपसे इस दिशा में मार्गदर्शन की विनती करता हूँ। नमोस्तु। देखिए, क्या बोला आपने कि अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना एक कला है। आपके पूछने का ऐसा है कि हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे प्रस्तुत करें, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, बातों को प्रभावशाली रखने के दो रास्ते। एक रास्ता कि हम खूब अच्छे से पढ़ें, लिखें, समझें, देखें, प्रैक्टिस करें और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखें। और एक हम अपने व्यक्तित्व को ही इतना प्रभावशाली बना लें कि हमारे भीतर से जो भी निकले उसकी अमिट छाप पड़े। पहली वाली बात मनुष्य को एक वक्ता बनाती है तो दूसरी वाली बात मनुष्य को एक आदर्श बनाती है। वक्ता बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया में एक से एक वक्ता है, ऑरेटर है, मोटिवेटर है। उनका वक्तृत्व लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है लेकिन उसका असर बहुत गहरा नहीं होता। लेकिन जो अंदर से अच्छा बनकर अपने व्यक्तित्व को निखार कर बोलते हैं, उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द अनुभव से सना होता है। अनुभव सिक्त होने के कारण उनकी वाणी का न केवल प्रभाव पड़ता है अपितु वे सबके आदर्श बन जाते हैं। तो मेरा पहला कहना तो ये है, प्रवक्ता मत बनो, आदर्श बनने का प्रयास करो। और आदर्श बनने के लिए जीवन में आदर्शों को उतारने की कोशिश करो। ये तभी संभव होगा जब मनुष्य अपने प्रति जागरूक होगा, अपने प्रति ईमानदार बनेगा, अपने प्रति निष्ठावान।